एक्सेल में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो सीक्वेंस बन जाता है। क्या हो जब करेक्टर हो और करेक्टर नंबर एक साथ ड्रैग करे और मुझे लास्ट नहीं फर्स्ट को सीरीज को कंटिन्यू करना हो। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। ये सवाल मेरे जो ऐप यूजर है दिनेश भाटी जी, उन्होंने मुझसे किया है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, आप हमारे ऐप यूजर हैं तो आप भी मुझसे अपने सवाल पे वीडियोज बनवा सकते हैं। चलिए, क्या सवाल है उनका हम एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली उनके सवाल पे मैंने रिसर्च किया है, तो कुछ इस तरह का सवाल है। जैसे कि यहाँ वो 1 2 3 4 5 नंबर से हम लोग लिखते हैं जनरली, तो यहाँ पे जैसे एक लिख लिया, यहाँ पे 102 कर दिया और इसको सिलेक्ट किया नीचे की तरफ, तो ये आपका हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिखा A101, यहाँ पे लिखा हुआ ना A101, मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो वो नंबर से इंक्रीज होता है। बट उनका कहना है कि मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना है क्या, एबीसी से A101, B101, C101, इस तरह से। उसके लिए आपको समझना होगा एक डायग्राम। देखिए, एक्सेल में क्या होता है कि हर करेक्टर का एक कोड होता है। जैसे हमने ए लिखा, मैं एक बार दोबारा कर आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए कि ए लिखा, तो इसका एक कोड फॉर्मूला होता है जो कि इसको बताता है इसका कोड क्या है। और यहाँ पे मैंने जेड लिखा तो इसका भी कोड बताता है, मतलब 65 to 90 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसको नंबर्स अल्फाबेटिक का कोड है। जैसे कि 65 हो गया यहाँ पे, 66 हो गया यहाँ पे आपका 67 हो गया, 68 हो गया। और इसको अगर आप कैर फॉर्मूला के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ये आपका एबीसीडी दिखाता है। तो मैंने सेम चीज यहां पे किया हुआ है। बेसिकली हमारे पास एक रो का फॉर्मूला होता है। रो फॉर्मूला क्या करता है कि रो नंबर देता है 1। मैंने इसी पे 64 कर दिया, मैं लगाता हूं उसका रो नंबर देता है, तो हमने यहीं पे 64 65 कर दिया। और इसी में इसको इस रिजल्ट को हम कैर फॉर्मूला के अंदर डाल दिए तो एबीसीडी में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एबीसीडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इसमें मुझे 101 ऐड करने हैं तो मैं यहां पे &% लगाया और 101 को कंबाइन कर दिया, पीछे तक ड्रैग कीजिए। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जेड के बाद वापस ए को कंटिन्यू करता है, ए अल्फाबेटिक इस तरह से दे देता है। मैं चाहता हूं जैसे यहां देखिए जेड के बाद ए आ गया, इस तरह का चाहिए, या फिर यहां रैंडमली कुछ कुछ चाहिए। देखिए मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं तो ऐसे हो रहा है। उसके लिए मैंने यहां पे सिंपल सा रैन बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। यहां रैन बिटवीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कैर का, कैर के अंदर हमने रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, रैन बिटवीन, और यहाँ पे दिया 65 to 90। ये आपका एबीसीडी आ गया। इसके साथ हम अपना 101 कंबाइन कर देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम है कि ये डुप्लीकेट भी हो सकता है, अगर ड्रैग करते हैं तो कई सारे इसमें देखेंगे जैसे Q101 दिख रहा है, डुप्लीकेट है, तो फिलहाल इसको हम हटाते हैं। मुझे इस तरह चाहिए कि A101 नीचे तरफ ड्रैग करो, फिर वापस जैसे जेड हो खत्म हो यहाँ पे देखिए 102 103 इस तरह से आगे कंटिन्यूस बढ़ता चला जाए। मतलब कि 101 का अल्फाबेटिक सीरीज अगर खत्म होता है तो फिर वो 102 की अल्फाबेटिक सीरीज को कंटिन्यू कर दे। एक चीज का सॉल्यूशन मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर मेरा ऐप को डाउनलोड आपने नहीं किया है तो प्लीज मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।
ऐप के डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप चैट के थ्रू, हमारे ऐप में चैट फैसिलिटी है, देखिए सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, तो चैट के थ्रू आप मेरे साथ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे ऐप के जरिए। उसके बाद ऐप में फ्री वीडियोज, बहुत सारे फ्री वीडियोज हैं, मैं डेली बेसिस में इसको अपडेट भी करते रहता हूँ, तो ये फ्री वीडियोज आपको मिलेंगे जहां से आप ले सकते हैं। दूसरा, इसके स्टोर सेक्शन में आप जाते हैं तो स्टोर सेक्शन में आपको यहाँ पे मेरे कोर्सेज दिखेंगे, जैसे एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, एक्सेल वीवीएम, माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। तो एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे आपके बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, बहुत सारे नहीं, 115 वीडियोज टोटल है, 70 घंटे की वीडियोज है, और ये वीडियोज जो है सिक्वेंस में है। जैसे कि आप यहाँ कंटेंट पे आते हैं, सबसे पहले तो आपको 5 आवर्स की वीडियोज मिलती है, इसको प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग कहा जाता है। उसके बाद अगर 113 वीडियोज आपको यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे सारे वीडियोज होम मेनू वाइज, जैसे हो फाइल मेनू बार, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, जैसे एक्सेल के मेनू वाइज होते हैं उसी मेनू के हिसाब से वीडियोज दिया गया है, और वीडियोज बेसिक टू एडवांस है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो 40 वीडियोज फॉर्मूले की है। अब बोलेंगे फॉर्मूले के 40 वीडियोज है, क्या है स्मॉल स्मॉल वीडियो है? जी नहीं, ये देखिए 40 मिनट की वीडियोज है, ये देखिए 22 मिनट की वीडियोज है। तो वीडियोज की ड्यूरेशंस भी एक क्लास की ड्यूरेशंस की बराबर है। इसमें आपको 2-2 घंटे की वीडियोज मिलेंगे, 1.5 घंटे की वीडियोज मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको एक कंप्लीट, एक हर टॉपिक को डिटेलिंग में समझाया गया, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा बता दिया हो गया 2 मिनट 4 मिनट की वीडियोज, नहीं। टोटल वीडियो की ड्यूरेशन 160 आवर्स की है, और ये आपको अभी 33% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये आपको अभी जस्ट 2999 में मिलेगा, और वीवीए का भी सेम उसी प्राइस में। तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। अब चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं, आपको बहुत इंतजार कराया। ये जो आपके 101 1B02 कैसे आया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे A101, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ सिंपल सा, मैंने यहाँ पे A101 को लिख के दिखाया। फिर मैंने क्या किया, इफ का फॉर्मूला लगाया कि नॉर्मली पहले समझिए क्या है, हमने पहले लगा यहाँ पे 65 लिखा, और हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि इसमें प्लस करो कि +1 अगर ग्रेटर देन 90 है तो 65 से स्टार्ट करे, अदरवाइज 65 में +1 करे। तो मैं चाहता हूं कि जब 90 पार करे तो ऑटोमेटिकली वो अगेन 65 हो जाए, मुझे ये करना है। बट प्रॉब्लम है कि अल्फाबेटिक को करना है, तो हमने यहाँ A101 लिखा, और फिर मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया लेफ्ट का। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से एक लेटर अलग कर देगा, अलग कर दिया। फिर इसमें हम दिए फॉर्मूला इफ का, इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, कोड कोड में कन्वर्ट, नंबर आ गया। फिर हम यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर इसमें +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 90 है तो भाई ए से स्टार्ट, ए से मतलब कि ए आएगा, अदरवाइज ये आपका कोड लेफ्ट, इसको सेलेक्ट किया, हाँ ये हो जाएगा +1, और ए जो आ जाएगा कैर के अंदर, कैर इसको हमने, ये देखिए बी आ गया। ऐसे नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो जेड के बाद ए आ जाएगा, ये आ गया, और नीचे कीजिए तो बी भी हो जाएगा, ये हो गया। अब मुझे 101 को कंटिन्यूस करना है, उसके लिए आप यहां अलग लगाना चाहिए तो लगा सकते, कि मैंने यहां से सिंपल सा यहां पे किया, ये जो मेथड है ना, ये सेम मेथड हम लेंगे, ये जो आपको दिख रहा है और इसमें हम कॉनकेटेनेट करते हैं और इफ फॉर्म में लगाते हैं कि इफ अ ग्रेटर देन 90 है तो हमने बोला राइट, राइट से ये 3 डिजिट अलग कीजिए, +1 कीजिए, अदरवाइज
राइट से 3 डिजिट ले लीजिए। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा बन गया, बट इस तरह से कंटिन्यूअस, फिर जेड के बाद 103 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने बोला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, बट इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस करने पे भी समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जो कॉल कर सकते हैं। और ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो गया है। और ऐप पे अगर कोर्सेज लेना है तो कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जूम पे, तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।